दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज संडे है, ये मैराथन क्लास होगी। आज की क्लास में 101 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन एक मीठी महक वाला पदार्थ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो आंसर सभी लोग दीजिएगा, सभी जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा एस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एस्टर एक मीठी महक वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर दीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है, संगीत के स्वरों पर कौन सा नियम आधारित है? इनमें से कौन सा नियम संगीत के स्वरों पर आधारित है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा अष्टक नियम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अष्टक नियम संगीत के स्वरों पर आधारित है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अष्टक नियम करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न इस प्रकार से है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? इनमें से किस काम के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? डी करेक्ट आंसर होगा अकाउंटिंग के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, ये जो स्पेस है बताइए यहां पर क्या भरा जाएगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा परीक्षा में। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके साथ ही याद रखिए दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत और सबसे बड़ा उत्पादक भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी संबंधित है। बताइए निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? आपको बताना है किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा जोजिला। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर दीजिए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता बताइएगा। बहुत अच्छे, तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। गुड मॉर्निंग। यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बुध। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो डी करेक्ट आंसर होगा, आरबीआई। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कई बार मैंने आपको बताया, 1935 में हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। वर्तमान में अगर गवर्नर पूछे जाए तो आप लोग याद रखिएगा शक्तिकांत दास है, और आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, उसी लेवल के प्रश्न आज की क्लास में। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, डी करेक्ट आंसर इसका। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1961 में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1961 में हुआ था राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं है, सी करेक्ट आंसर है, 1961 करेक्ट आंसर होगा, 1961 करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए सेशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, यस एन के। आज इवनिंग की क्लास नहीं हुई है क्योंकि हर संडे को हम मैराथन क्लास करते हैं जीके की। कल रीजनिंग की क्लास होगी सुबह 10 बजे। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिएगा, और जो याद करने को बोला गया था कल बताना उसे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए सेशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। डी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। डी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस डी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है, सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है कॉपी को साथ में रखिएगा, तुरंत उसे नोट डाउन कीजिए। जब क्लास खत्म हो जाए तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसने लिखी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेल्सन मंडेला। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नेल्सन मंडेला ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यान मार्टेल। बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है, यान मार्टेल ने लाइफ ऑफ पाई उपन्यास को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं। क्या पूछा गया, धान और जूट किस जलवायु की फसलें हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश में। ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में। यह तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और राजधानी जयपुर है राजस्थान की, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है भारत में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है, सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, जो आंतरिक व्यापार है किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, होलसेल मार्केट से संबंधित है, थोक बाजार से संबंधित है आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, क्या पूछा गया है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, निकेल, कॉपर, जस्ता या फिर एल्यूमिनियम की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिंक की। या सी करेक्ट आंसर होगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए लोहे पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जस्ता करेक्ट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, भीमबेटका को किसने खोजा था, यह आपको बताना है जो भीमबेटका गुफाएं किसने खोजी थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विष्णु श्रीधर ने भीमबेटका को खोजा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड मॉर्निंग, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। डी राइट आंसर होगा इसका, क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1986 में, 1986 में, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं है, डी करेक्ट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा, दलाल स्ट्रीट आपको बताना है कहां पर है, नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या फिर पेरिस में, तो सी करेक्ट आंसर होगा मुंबई में, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए, कांच क्या होता है, आपको बताना है कांच क्या होता है, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा, अति शीतित द्रव, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कांच एक अति शीतित द्रव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, DOS का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बहुत अच्छे, गुड, सी करेक्ट आंसर होगा डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, DOS का फुल फॉर्म होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा, हॉर्मर त्यौहार कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए जो हॉर्मल महोत्सव है कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है हॉर्मल फेस्टिवल, तो आप लोग याद रखिएगा नागालैंड से संबंधित है, कई बार मैंने आपको बताया भी और पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 दिनों के लिए, क्या करेक्ट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा, 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है हॉर्मल महोत्सव, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइए कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट को, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए, उपचुनाव कब कराया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, तो सभी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपचुनाव कब कराया जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा, कभी भी, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइएगा जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जनांकिकी, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, ए करेक्ट आंसर होगा इकबाल, या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, आपको बताना है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, क्या पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, डी करेक्ट आंसर होगा, शिशिर कुमार घोष ने, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शिशिर कुमार घोष ने
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसी को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए इसे और किस नाम से जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह 1929 में पारित हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा, 1929 में बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, आपको बताना है ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, किस देश में है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, क्या पूछा गया है? ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका में? तो बी करेक्ट आंसर होगा, पाकिस्तान में। यस, बी करेक्ट आंसर है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या पूछा गया है? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो बी करेक्ट आंसर होगा, खड़क सिंह। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, खड़क सिंह। 33 के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? चार ऑप्शन दिए गए और पूछा गया इसमें कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, लाइकेन। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो लाइकेन है प्रदूषण संकेतक पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लाइकेन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर आपको बताना है भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, ए करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, आपको बताना है वह पहला किला कौन सा है जिसे शिवाजी ने जीता था? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ए करेक्ट आंसर होगा, तोरट। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पहला किला तोरट था जिसे शिवाजी ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, आपको बताना है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सी करेक्ट आंसर होगा, परम 8000। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, परम 8000 भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र की। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है, निम्न में से किसे भारत का गोल्डन फाइबर कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, जूट को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? सभी जल्दी से आंसर करिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या फिर बिहार में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, अफ्रीका सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताइए कौन सा है? बी करेक्ट आंसर होगा, नाइजीरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप लोग याद रखिएगा नाइजीरिया है। और एक क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, 54 देश है आप लोग, ये भी याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2009 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? सी करेक्ट आंसर होगा, 180 डिग्री देशांतर को। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया, भारत में किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं?
डी करेक्ट आंसर होगा मुंबई को, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समतल कोण का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रेडियन। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछ ले परीक्षा में घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा स्टे रेडियन होता है। घन कोण का ऐसा ही मात्रक होता है स्टे रेडियन, और समतल कोण का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना आपको बताना है किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सियाद दास, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है लखनऊ समझौता कब हुआ था, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1916 में, या सी करेक्ट आंसर होगा 1916 में, 1916 में। आप लोग याद रखिएगा लखनऊ समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर है वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी ने करेक्ट आंसर इस बार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए कच्छ कहां पर है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कच्छ कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिएगा, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, कच्छ कहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात में, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, कच्छ गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंतनगर में। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पंतनगर में जब स्थापना हुई थी उस समय ये पंतनगर उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान में पंतनगर कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और यहाँ पर भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, रानीगंज कोयला क्षेत्र है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है ये कहां पर है, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल में, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा रानीगंज कोयला क्षेत्र या वेस्ट बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, मलेशिया में जो किंटा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टिन के उत्पादन के लिए, या सी करेक्ट आंसर होगा टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया में किंटा घाटी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1784 में, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है, निम्न में से किसने विश्व इतिहास की झलक पुस्तक लिखी है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। यस बी करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, बताइए कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है, क्या कहते हैं? सी करेक्ट आंसर होगा, रोम। यस रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। और अगर पूछा जाए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। पूछा जाता है परीक्षा में, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन है 1920 में शुरू हुआ था, नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, या फिर नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी। बताइए निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्योंकि जो तिलैया बांध है ये बराकर रिवर पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में। तो बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए, आपको बताना है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो महावेली गंगा है किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका की। यस डी करेक्ट आंसर होगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 59 है, बताइए निम्न में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? ग्रेफाइट, ब्रोमीन, कॉपर या फिर सिल्वर। बताइए इनमें से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है, यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रोमीन। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रोमीन है बिजली का अच्छा चालक नहीं है, बाकी सभी अच्छे चालक हैं, ग्रेफाइट ब्रोमीन सॉरी ग्रेफाइट कॉपर चांदी ये सभी अच्छे चालक हैं, ब्रोमीन अच्छा चालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? बी करेक्ट आंसर होगा, हेलसिंकी। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। 101 क्वेश्चन है, 101 ये क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, नैरोबी केन्या की राजधानी है, पूछ सकते हैं नैरोबी कहाँ की राजधानी है, तो आप लोग याद रखिएगा, केन्या की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, कई बार आपको बताया भी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट में एक क्वेश्चन बनता है राजधानी से संबंधित। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, यस किट्टू। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया, इनमें से कौन परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटोन। तो डी करेक्ट आंसर होगा, फोटोन। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी परमाणु के भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए, आपको बताना है लिटमस किस में निकलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लिटमस किस में से निकलता है? सी करेक्ट आंसर होगा, लाइकेन से। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लाइकेन से निकलता है लिटमस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63, आपको बताना है पंचमहल कहां पर स्थित है? सभी जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, पंचमहल कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है। फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी, पहली राजधानी आगरा थी, और वर्तमान में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आगरा के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए,
सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? मैग्नीशियम को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है? मैग्नीशियम की अगर परमाणु संख्या पूछी जाए 12 होती है, एटमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है और इसे Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आंसर करिए। बताइए एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए क्या पूछा गया है? एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आगरा में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये आगरा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुरादाबाद या हैदराबाद करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। बताइए रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रामसर सम्मेलन है किससे संबंधित है? डी करेक्ट आंसर होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। बताइए नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है? सब इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत आपसे पूछा गया किस ग्रह पर है? बी करेक्ट आंसर होगा, मंगल ग्रह पर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मंगल ग्रह पर है नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत। और मंगल ग्रह को आप लोग याद रखिएगा लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। बताइए राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो नौसेना दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा। गुड, 3 दिसंबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। 2 दिसंबर भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। घाना पक्षी विहार बताइए कहाँ पर है? तो सब इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? गुड, असम, ओडिशा, राजस्थान या फिर तेलंगाना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब इसका आंसर करिए, बताइए विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? डी करेक्ट आंसर होगा, 4 अक्टूबर को। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 4 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व पशु दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। बताइए मशरूम क्या है? कवक पौधा पशु या फिर बैक्टीरिया? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कवक। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, मशरूम कवक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइडल पावर स्टेशन में आपको बताना है ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी, वाटर। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। नाइट्रिक एसिड निम्न में से किस धातु पर बेअसर है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इनमें से किस धातु पर बेअसर है नाइट्रिक एसिड? निकल, गोल्ड, चांदी या फिर कॉपर? तो बी करेक्ट आंसर होगा, सोने पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोने पर बेअसर है नाइट्रिक एसिड। सोने को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सोने का जो लैटिन नेम है आप लोग याद रखिएगा ऑरियम होता है, इसीलिए AU से रिप्रेजेंट किया जाता है सोने को, गोल्ड को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। बताइए बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सभी इसका आंसर करिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में। वर्तमान में बादामी गुफा मंदिर कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिए कर्नाटका में। कहाँ पर है वर्तमान में बादामी गुफा मंदिर? कर्नाटका में है। और निर्माण किसने करवाया था? मंगलेशा ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, मंगलेशा करेक्ट आंसर होगा। ये 74 क्वेश्चन नंबर है, 78 नहीं है, 74 क्वेश्चन नंबर है प्रश्न नंबर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। बताइए पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंथी नृत्य शैली का आपको बताना है
संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ से। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है छत्तीसगढ़ से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? क्या पूछा गया है, जो मृत सागर है किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इसराइल के मध्य। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मृत सागर जॉर्डन और इसराइल के मध्य स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, अनुवांशिकी कहा जाता है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अनुवांशिकी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, आपको बताना है स्थापना किसने की थी। सी करेक्ट आंसर होगा, कुमार गुप्त ने। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए, आपको बताना है कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है कौन सा सागर? उस सागर का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरब सागर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, जो अरब सागर है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करता है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सॉरी 81 के लिए, बताइए निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? सभी का आंसर करिएगा, बताइए भूरा कोयला किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, बहुत अच्छे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन इस प्रकार से था, निम्न में से कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तस्मान सागर, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जो तस्मान सागर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए, बताइए भूरा कोयला किसे कहते हैं इनमें से? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, अरब सागर करेक्ट आंसर नहीं होगा, तस्मान सागर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए, बताइए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड में? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? उस पदार्थ का नाम बताइए जो पानी में जलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम, पानी में जलता है, इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए, आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत भारती के लेखक कौन है? ए करेक्ट आंसर होगा, मैथिली सरल गुप्त। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मैथिली सरल गुप्त ने भारत भारती को लिखा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए, बताइए निम्न में से किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है? क्या पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को। यस, पंजाब को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, भारत का राज्य है, पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब हरियाणा की राजधानी है। वर्तमान में पूछ सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। 86 के लिए आंसर करिए, बताइए पंच शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पंच शब्द है किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी संबंधित है। या सी करेक्ट आंसर होगा, मुक्केबाजी से संबंधित है पंच शब्द, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए आंसर करिएगा, बताइए द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? आपको बतानी है द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा।
या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, द्रव की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो वेलिंगटन ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नौ का दौड़ से। यस डी करेक्ट आंसर होगा, नौ का दौड़ से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए, बताइए गन आइलैंड के लेखक कौन है? गन आइलैंड के लेखक आपको बताने हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा, अमिताभ घोष गन आइलैंड के लेखक हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, बताइए किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यस बी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए, आपको बताना है निम्न में से किन अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन है? कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 5 से 11। सभी याद रखिएगा 5 से 11 नागरिकता संबंधित है, और पूछा जाए कौन सा भाग संबंधित है, पार्ट 2 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए, बताइए उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम में बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, और बांग्लादेश म्यांमार ये भारत के पूर्व में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के, आपको बताना पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? सभी इसका आंसर करिएगा, पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, बताइए सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार, बी करेक्ट आंसर होगा। 95 के लिए आंसर करिए, मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया, मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाने जाता है? सी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु को। यस तमिलनाडु को मंदिरों के प्रांत के नाम से जानते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए, बताइए क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? आपको बताना है क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी, खोजकर्ता बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीले। यस ए करेक्ट आंसर होगा, सीले ने क्लोरीन गैस की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए, आपको बताना पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डाइक्लोफेनिक, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसका डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए, आयने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए जो आयने अकबरी है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल फजल ने लिखी है आयने अकबरी को, और ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए, बताइए निम्न में से किस डिपार्टमेंट में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से किस डिपार्टमेंट में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिपार्टमेंट B12 में। यस बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 99 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, डांडिया कहाँ का फोक डांस है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो डांडिया है कहाँ का फोक डांस है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यस डी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात से संबंधित है मुख्यतः डांडिया, और ये गुजरात का फोक डांस है। बहुत अच्छे डी करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 101 है, बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा, मैसूर में। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 101 क्वेश्चन डिस्कस किए, बेटा एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छे, गुड। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।